हो आप सब बहुत अच्छे हो, है ना? Yes or no? कल आप सबको देखकर बच्चों बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको भी अच्छा लगा मैम के साथ कल बातचीत करके, मैम के साथ इंटरेक्ट करके? आपको कैसा लगा? How was it? It was good. Good ना? Very good, very good. अच्छा लगा. So children, today is another new fresh morning. Why? हर दिन मैम क्यों आपको ऐसा बोलती है कि ये एक नया फ्रेश मॉर्निंग है? क्योंकि हम जब फ्रेश मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तब हम बिल्कुल फ्रेश होकर उठते हैं, है ना? और मैम जब आपके साथ फर्स्ट टाइम मिलती है मॉर्निंग में तो मैम आपको कहती है हमें गॉड ने कितना सुंदर फ्रेश मॉर्निंग दिया है, जहाँ पे बहुत सुंदर सी हल्की हल्की हवा चल रही है, चिड़ियों की चुचू की आवाजें आ रही है कि नहीं? इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें हमें फ्रेश मॉर्निंग में ही सुनने मिलती है ना? सही बोला ना मैम ने? आप एक दिन मम्मी पापा को कहना कि अर्ली मॉर्निंग आपको उठाए, आप बाहर निकल के, आपने देखा आप जब वॉक करने के लिए एक बार जाएंगे ना आपके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी के साथ, आपको तब पता चलेगा कि सो प्लेजेंट इन द मॉर्निंग. प्लेजेंट यानी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एकदम फ्रेश आपको फील होगा, राइट? इसलिए मैम आपको ये कहती है. सो चिल्ड्रेन, टुडे इज वेडनेसडे. यस, मंडे, ट्यूसडे एंड टुडे इज वेडनेसडे. यस, एंड द डेट इज, कौन बताएगा मुझे डेट? कल 29 था, आज क्या होगा? 29 के बाद अभी वहां तक के तो हम पहुंचने के हैं, है ना? तो 29 के बाद आता है 30.6.2021. यस चिल्ड्रन, आज है 30 जून, इसको हम 30th भी बोलते हैं, 30th जून. ओके, सो टुडे, आज यानी कुछ समथिंग न्यू है. समथिंग न्यू में मैम आपके लिए अभी तक के हमने इंग्लिश पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, जीके भी किया है, राइम्स भी किया है, आज नया क्या है? आज है हमारा हिंदी का फर्स्ट लेटर. हाँ, फर्स्ट अक्षर. फर्स्ट अक्षर का मतलब होता है अक्षर जो हम बनाते हैं ना, जैसे आप जब पढ़ने शुरू करोगे तो अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, छोटी ई का, बड़ी ई का, तो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे धीरे धीरे. तो सबसे पहला अक्षर जो होता है हिंदी का वो है अ. हाँ, ये होते हैं हमारे वर्ण. ये बच्चों जब आप KG1 की क्लासेस में जाएंगे ना, KG2 की क्लासेस में आप जब जाओगे तब आपको आपकी जो टीचर रहेंगी हिंदी की वो आपको बताती जाएंगी कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर उसमें हम स्वर क्यों बोलते हैं और व्यंजन क्यों बोलते हैं, है ना? जो अलग अलग तरीके के स्वर और व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं. तो अभी हमें सिर्फ स्वर करना है. स्वर मतलब आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये जो सारे हमारे अक्षर होते हैं, यानी जो हम लिखना आज सीखेंगे उसका हमारे बोलने पे कितना असर होता है. यस, वेन हम जब बोलते हैं, जब हम बोलना सीखते हैं, आ मतलब आ, है ना, तो अ हम लिखते हैं, फिर ई, यानी ई कोई आपको बोलेगा बेटा आपके दांत दिखाओ तो आप बोलेंगे ई, करते हो कि नहीं? हाँ, तो ये सारे जो हमारे अलग अलग तरीके के अक्षर हैं, जो स्वर है यानी हमारे मुंह से निकलने वाला जो वर्ड यानी अक्षर जो निकलता है उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है? अभी आपके लिए थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जब आप KG1 KG2 में आप जाएंगे तो और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम स्वर यानी स्वर का पहला अक्षर जो होता है वो अ लिखना सीखेंगे. ओके बच्चों, सो हर दिन हम क्या करते हैं कुछ नया शुरू करने के पहले? वी रिमेम्बर गॉड. यस चिल्ड्रेन, कुछ भी अच्छे काम को शुरू करने के पहले हमें क्या करना होता है? हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब चीजें हमारे लाइफ में जो भी हो या हम जो सीख रहे हैं वो अच्छे से हमें सिखाए, हमें स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, है कि नहीं? सो क्या करते हैं हम उसके लिए? एवरीबॉडी जॉइन हैंड्स, क्लोज आई.
आई नो आप सबको याद हो गया ये हमारी प्रेयर, राइट? ओके, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट. होली गॉड, होली द माइटी वन, होली द इमॉर्टल वन, हैव मर्सी ऑन अस एंड ऑन द होल वर्ल्ड. क्वीन ऑफ कार्मल, प्रे फॉर अस. आमेन. यस चिल्ड्रन, नाउ दिस इज अ टाइम टू ओपन. क्या ओपन? अब नाउ ओपन करना है क्या चीज? आपकी अक्षर माला वाली जो बुक है हिंदी की, यस, ये वाली जो बुक है ना अक्षर माला वाली, ये आपको ओपन करनी है. और सबसे पहला अक्षर देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अ, यस, अ से अनार. देखो अ से अनार, आप भी मैम के पीछे बोलो, इसको हम बोलते हैं अ. क्या बोलते हैं? अ, अ से अनार, अ से क्या बोलते हैं? अनार. वेरी गुड. तो अब हमें इसे लिखना भी सीखना है, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? आपकी जो स्वर अभ्यास वाली जो बुक है, ठीक है, स्वर अभ्यास की ये वाली जो बुक है, तो उसमें आपको निकालना है पेज नंबर 5, ठीक है, आपको पेज नंबर 5 निकालना है. और यहाँ पे देखो अ लिखा हुआ है ना, और उसके साथ साथ यहाँ पे अनार भी बना हुआ है. सो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कलर. हम जैसे हमारी ड्राइंग बुक में हम कलरिंग करते हैं, क्राफ्ट की बुक जो हमारी है, वी कलर ना, हम कलर करते हैं. जैसे आप लोगों ने कितने सुंदर मैम के पास कलरिंग करके भेजा है, तो सेम यू हैव टू डू दी कलर इन किसे, अनार को. यानी अनार को हमने इंग्लिश में फ्रूट्स में भी पढ़ा है, व्हाट इज दैट, पोमोग्रेनेट. वेरी गुड, वेरी गुड, माय चिल्ड्रन आर वेरी क्लेवर, है ना. सो अ से अनार, ठीक है. अब ये लिखना हम सीखेंगे, तो बिफोर आई मेक यू हाउ टू राइट, पहले मैम आपको लिखने के पहले आपको एक चीज बताएगी. यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज एंड ये सेकेंड पेज, टू पेजेस दिए हुए हैं, तो आपको आज का जो वर्क रहेगा आपका, ओनली वन पेज एंड कलर दिस पोमोग्रेनेट. ओके, सिर्फ ये आपको करना है आज. यहाँ टॉप में आपको आज की डेट लिखनी है, यानी 30.6.2021, सिर्फ ये पेज करना है. ओके, अब मैम आपको सिखाएगी कि कैसे लिखना है, फाइन. अब यहाँ पे देखो मैम ने ऑलरेडी यहाँ पे अ लिखा हुआ है, ठीक है. सो आपने कल भी हमने देखा कि हमने कर्व लाइन सीखा है, राइट? कर्व लाइन कैसे लिखते हैं आपको मालूम है ना, ये यही लिखेगी मैम, ठीक है, ये कर्व देखो गया, ठीक है, उसके बाद ये कर्व हो गया, ठीक है, हाफ कर्व, ये वाला हाफ कर्व. ओके, अब ये दोनों हाफ कर्व के बीच में एक आपको स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है. स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद वन आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है. हाउ इज इट, कैसे है? टू हाफ सर्कल, बीच में से कट लगाकर उसे एक स्लीपिंग लाइन, और उसको ज्वाइन करते हुए वन स्टैंडिंग लाइन, है ना. तो और ऊपर इसको ज्वाइन करने के लिए ऊपर एक हमारी रहेगी स्लीपिंग लाइन अगेन, जो हमारे इस कर्व को और ये स्टैंडिंग लाइन को जोड़ देगी, ठीक है. तो अभी बच्चों ये आपको शायद थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन मैम अभी दूसरे पेन से लिखेंगे. ये देखो आप दोबारा से देखो, हाफ सर्कल, ठीक है, अनदर हाफ सर्कल. ओके, ये दोनों हाफ सर्कल के बीच में आपको एक कट लगाना है, दैट इज अ स्लीपिंग लाइन, ठीक है. उसके बाद इस स्लीपिंग लाइन के साथ आपको एक ड्रॉ करना है स्टैंडिंग लाइन, ठीक है. ये स्टैंडिंग लाइन आपने बना दिया, अब हाफ सर्कल और स्टैंडिंग लाइन को आपको ज्वाइन करना है स्लीपिंग लाइन से. ओके, तो ये बन गया आपका अ से अनार. आपकी बुक में ऐसे ट्रेसिंग किया हुआ दिया है 2-3 लाइंस, आपको ये ट्रेस करना है और फिर आपको याद करना है दिमाग में कि हमें कैसे लिखना है अ. दोबारा से आप देखो,
हाफ सर्कल अनदर हाफ सर्कल, ठीक है, बीच में से कट, वन स्टैंडिंग लाइन और एक है स्लीपिंग लाइन, आ गया हमारा। यहां पे हम लिखेंगे हाफ सर्कल अनदर हाफ सर्कल बीच में से कट एंड देन वन स्टैंडिंग लाइन, बीच में से कट करके यहां से वन स्लीपिंग लाइन और ऊपर से एक स्लीपिंग लाइन जो हमारे हाफ सर्कल को और किसे हमारी स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे। लास्ट वन, हाफ सर्कल अनदर हाफ सर्कल बीच में से कट देन वन स्टैंडिंग लाइन एंड अगेन वन स्लीपिंग लाइन। कैसे? सिंपल है ना। टू हाफ कर्व, बीच में से वन स्लीपिंग लाइन, उसको ज्वाइन करते हुए वन स्टैंडिंग लाइन एंड देन अगेन एक हाफ सर्कल और स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करती हुई स्लीपिंग लाइन। सो चिल्ड्रेन, आई होप ये आपको बहुत इजी तरीके से आप लर्न कर सकेंगे और इजी तरीके से आप लिख सकेंगे। ओके चिल्ड्रेन, सो डू दिस, कंप्लीट योर वर्क, ठीक है, और ऊपर में आज का डेट लिखना ना भूलें, राइट हियर ऑन डेट, इसे कलर करना है और उसके बाद वन पेज ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो बाय, हैव अ नाइस एंड अ लवली डे चिल्ड्रेन, बाय बाय, गुड डे।